नमस्कार, 10 को खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। 10 फरवरी से 7 फेज में भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में होंगे चुनाव। 10 मार्च को आएंगे नतीजे, चुनाव आयोग ने की घोषणा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते दिल्ली में लगाया गया 56 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू। अब नई गाइडलाइंस के तहत दिल्ली वासियों को करना होगा कई पाबंदियों का सामना। गुवाहाटी में 5 ड्रग डीलर्स को किया गया गिरफ्तार। असम पुलिस द्वारा कई करोड़ के ड्रग्स भी किए गए जब्त। फरीदाबाद में एक शख्स ने SBI का नकली अधिकारी बनकर करीब 200 लोगों को ठगा। ये शातिर बदमाश कस्टमर केयर से फेक कॉल करके करते हैं ठगी। छत्तीसगढ़ में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है नक्सलियों की क्रूरता। इस बार नक्सलियों ने मुखबिर बताकर ले ली 3 आदिवासियों की जान। असम में पद्म पुरस्कार विजेता पर लगा यौन शोषण का आरोप। गुवाहाटी हाई कोर्ट में दर्ज हुआ मामला। दिल्ली क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा यूपी का शातिर गैंगस्टर अनिल दुजाना। 60 आपराधिक मामले में थी तलाश। झारखंड में बीजेपी के पूर्व विधायक पर नक्सलियों ने किया हमला। घटना में 2 पुलिस जवान हो गए शहीद। दिल्ली में ड्रग सप्लायर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने किया पथराव। हादसे में 4 पुलिसकर्मी हो गए बुरी तरह से घायल। कजाकिस्तान में महंगाई के विरोध प्रदर्शनों के चलते हो रही है घोर हिंसा। अब तक 12 पुलिसकर्मी समेत मारे जा चुके हैं 48 लोग, तो वहीं 353 लोग हो चुके हैं गंभीर रूप से घायल। पुलिस अब तक कर चुकी है 2000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी। ब्राजील में आई बाढ़ हुई जानलेवा। अब तक बाढ़ में जा चुकी है 20 लोगों की जान, तो वहीं 19 लोग हो चुके हैं घर से बेघर। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर से मचा हड़कंप। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हुए दूसरी बार संक्रमित। दक्षिणी अफ्रीकी देश रुग्वे में पिरहाना मछली ने मचाया आतंक। बीच पर ले डाली 4 लोगों की जान, तो वहीं 20 लोगों को पहुंचा दिया अस्पताल। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में संपन्न हुए 11 दहेज रहित विवाह। यूपी परिवहन बस में की जा रही थी शराब की तस्करी। मामले में 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक शराब कारोबारी के यहां पड़ी रेड। कैश गिनने के लिए लानी पड़ी 5 बैंकों की मशीन। सुप्रीम कोर्ट से OBC छात्रों को मिली बड़ी राहत। सरकार की OBC EWS आरक्षण योजना को किया मंजूर। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। अब हर यात्रियों को 7 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा जरूरी। बेडगम एनकाउंटर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों की मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकी मार गिराए। आतंकियों के पास से कई हथियार भी किए गए बरामद। श्रीनगर में TRF मॉड्यूल का किया गया भंडाफोड़। शहर में 4 आतंकियों को हथियार और गोला बारूद संग किया गया गिरफ्तार। टेलीस्कोप से पहली बार रियल टाइम में देखा गया तारे में विस्फोट। अंतरिक्ष में इस ड्रामेटिक घटना को देखकर कई वैज्ञानिकों ने जताई उत्सुकता। देश भर में फिर से बड़े कोरोना के नए मामले। बीते 24 घंटे में आंकड़ा पहुंचा 1.5 लाख के करीब। अमृतसर में फिर लैंड हुई कोरोना यात्रियों से भरी हुई फ्लाइट। एक साथ 143 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। दुनिया भर में 24 घंटे में पाए गए 25 लाख केस। अमेरिका में पाए गए सबसे ज्यादा 7.51 लाख मरीज। बढ़ते संक्रमण के कारण रद्द की गई 2200 फ्लाइट। भारत अब नहीं रहा सबसे सस्ते इंटरनेट वाला देश। पिछले कुछ महीनों में 7.5 गुना बढ़ गया है 1 GB डाटा के दाम। इस साल 5G हो जाएंगे देश के 13 शहर। मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, जामनगर, अहमदाबाद, लखनऊ और गांधीनगर के लोग जल्द ही उठा पाएंगे 5G का मजा। ISIS से जुड़े 2 आतंकियों को मिली सजा। NIA स्पेशल कोर्ट ने सुनाई 8 साल की कैद। मुंबई से लड़कों को ले जाकर IS का आतंकी बनाने का लगा था आरोप। गूगल मैप पर नेवादा की पिरामिड झील में दिखी मिस्टीरियस शैडो। फोटो के सोशल मीडिया पर वायरल होने से लोगों के बीच मची अफरा तफरी। दक्षिण अफ्रीका के संसद भवन में लगी भीषण आग। फायर अलार्म के वक्त पर नहीं बजने से लोगों के बीच मची अफरा तफरी। अमेरिका में मिला खतरनाक वायरस रैबिट हेमोरेजिक डिसीज वायरस नामक की बीमारी बना रही है खरगोशों को अपना शिकार। उत्तर प्रदेश में मंच पर बैठे बीजेपी MLA को किसान नेता ने जड़ा थप्पड़। सपा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया वीडियो। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की एंट्री और दर्शन पर लगाई गई रोक। 31 जनवरी तक रहेगा प्रतिबंध। FY22 में GDP ग्रोथ 9.2% रहने की जताई जा रही है उम्मीद। मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ने की दर 12.5% होने की जताई जा रही है उम्मीद। इंस्टाग्राम और ट्विटर को टक्कर देने आ रहा एक और सोशल मीडिया ऐप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च करने जा रहे हैं ट्रुथ सोशल नामक एक सोशल मीडिया ऐप। राजस्थान की मन्नत सिवाच बनी मिस टीन इंडिया 2021। महज 16 साल की उम्र में जीता ताज। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पानी बताकर टीचर ने स्टूडेंट को जबरन पिलाई शराब। बच्चे को खराब हालत में अस्पताल ले जाए जाने के बाद शिक्षक को किया गया निलंबित। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी नौसेना के सेलिंग क्लब को अवैध घोषित किया। कहा 3 हफ्ते में इसे ढहाया जाए। मनीष गुप्ता हत्याकांड में CBI ने दाखिल की चार्जशीट। घटना में शामिल पुलिसकर्मियों को बनाया आरोपी। बिहार के एक 84 साल के बुजुर्ग ने किया 11 बार कोरोना टीका लगवाने का दावा। खबर मिलते ही केंद्रीय स्वास्थ्य अधिकारी
अधिकारी रह गए हैरान। मामले में फिलहाल की जा रही है जांच। मणिपुर में बढ़ती कोरोना के केसेस के चलते सरकार ने बढ़ाई सख्ती। अब राज्य में प्रवेश के लिए नेगेटिव कोविड रिपोर्ट दिखाना होगा अनिवार्य। अंकलेश्वर में कंटेनर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में एक ही परिवार की दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौके पर ही हो गई मौत।